हे गाइस, वेलकम बैक टू नियॉन मैन एंटरटेनमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी पहले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मूवीज एंड टॉप 10 एक्टर्स ऑफ 2022। तो आईएमडीबी के हिसाब से दीज आर द टॉप 10 एक्टर्स ऑफ 2022। एज यू कैन सी, फर्स्ट प्लेस पे धनुष, सेकंड में आलिया भट्ट, थर्ड में ऐश्वर्या राय, और बाकी आप पॉज करके देख ही सकते हो। एंड द टॉप 10 मोस्ट सर्च मूवी ऑन गूगल इन 2022 ग्लोबली, फर्स्ट इज थॉर लव एंड थंडर, सेकंड ब्लैक एडम, थर्ड टॉप गन, और बाकी आप लिस्ट देख ही सकते हो। सो इनमें से कौन से आपके फेवरेट एक्टर और फेवरेट मूवी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले अवतार 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। अभी भी अवतार 2 को आने में 8 दिन बाकी है एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 50-60 करोड़ का कलेक्शन कर सकता है एडवांस बुकिंग। आपको क्या लगता है, अवतार 2 ये कर सकता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले ब्लैक एडम के बारे में। तो ब्लैक एडम मूवी का सीक्वल शायद ना आए क्योंकि इट इज अबाउट टू लूज 50-100 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ, इससे रिलेटेड ये ट्वीट किया गया था। ब्लैक एडम सीक्वल इज अनलाइकली, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और हम लोग जब बात कर ही रहे हैं मूवी ना आने की, तो एक और मूवी है विच गॉट कैंसल्ड। जी हाँ, ये ट्वीट किया गया था, वंडर वुमन 3 हैज बीन स्क्रैप्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले सिंघम अगेन के बारे में। इस मूवी से रिलेटेड ये अपडेट आया कि इस मूवी में दीपिका पादुकोण भी होने वाली है एज अ लीड एक्ट्रेस। चलिए हम लोग अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की नई मूवी के बारे में। सो तरण आदर्श ने रिवील किया इनके नई मूवी के बारे में जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों। बिसाइड्स आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान, इनमें और भी बड़े स्टार्स होने वाले हैं लाइक पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता एंड मेनी स्टार्स आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।